हेलो एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है इसके चैप्टर नंबर 10 कारतूस को कर रहे थे इससे पहले वाले वीडियो में, इस वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को हम करेंगे। तो जब तक आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तब तक आपको इस क्वेश्चन आंसर के या इस क्वेश्चन आंसर को समझने में दिक्कत आएंगी, तो इससे पहले आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। इस चैप्टर के अभ्यास कार्य को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में हमने विकल्प वाले क्वेश्चन आंसर, एक वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर और दो से तीन वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर लिए हैं, और पार्ट टू में हमने 5 से 6 वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर किए हैं। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वजीर अली आदमी है या भूत, यह वाक्य कौन बोलता है, सिपाही, लेफ्टिनेंट, कर्नल या सादत अली। तो इसका सही आंसर होगा लेफ्टिनेंट। सेकंड क्वेश्चन है, सादत अली ने अपनी आधी जायदाद किसे दे दी, कर्नल को, रामसुद्दौला को, आसिफुद्दौला को या वजीर अली को। तो इसका सही आंसर होगा कर्नल को। थर्ड क्वेश्चन है, वजीर अली वकील का कत्ल करके कहाँ भाग गया, अफगानिस्तान, नेपाल, आजमगढ़ या दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा आजमगढ़। वजीर अली वकील का या वकील को मारकर वकील का कत्ल करके वह आजमगढ़ भाग गया था। फोर्थ क्वेश्चन है, सवार किससे मिलना चाहता था, लेफ्टिनेंट से, कर्नल से, सिपाही से या वजीर अली से। तो इसका सही आंसर होगा कर्नल से। फिफ्थ क्वेश्चन है, कर्नल ने सवार को कितने कारतूस दिए, 5, बहुत, 10 या थोड़े से। तो इसका सही आंसर होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, कर्नल कालिंज ने खेमा जंगल में क्यों लगाया था, क्या रीज़न था, क्या कारण था खेमा जंगल में लगाने का। तो कर्नल कालिंज ने जंगल में छिपे हुए वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए जंगल में खेमा लगाया था। हमने पढ़ा भी था कि बहुत दिनों से उन्होंने जंगल में खेमा लगाए हुए वो लोग बैठे थे, यहाँ तक कि उनके जो सिपाही थे वे भी तंग आ रहे थे क्योंकि वजीर अली उनके हाथ में ही नहीं आ रहा था, पकड़ में ही नहीं आ रहा था। तो वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए जंगल में खेमा लगाया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, सिपाही वजीर अली से क्यों तंग आ गए थे, सिपाही जंगल में छिपे हुए वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए उसका पीछा कर रहे थे पर वह उनकी आंखों में धूल झोंकता रहा और उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था, इसलिए वे वजीर अली से तंग आ गए थे। तो हमने देखा कि वो लोग वजीर अली को पकड़ने के लिए वहाँ खेमा डालकर कितने सप्ताह से बैठे हुए थे, लेकिन वजीर अली बार बार उनकी आंखों में धूल झोंक कर भाग जाता और उनकी पकड़ में नहीं आता था, इसलिए वो जो सिपाही थे वो वजीर अली से तंग आ गए थे। थर्ड क्वेश्चन है, कर्नल ने सिपाही को सवार पर नज़र रखने के लिए क्यों कहा, तो कर्नल यह जानकारी रखना चाहता था कि सवार किस तरफ जा रहा है, इसलिए उसने सिपाही को सवार पर नज़र रखने के लिए कहा। तो कर्नल ने सिपाही को सवार पर, सामने से घोड़े से एक व्यक्ति आ रहा था, सवार उसी को कहा जा रहा है, तो सवार पर नज़र रखने के लिए क्यों कहा कर्नल ने सिपाही को। तो रीज़न क्या था, कारण क्या था कि उस पर नज़र रखने की, वो कौन सी दिशा में किस तरफ जा रहा है।
फोर्थ क्वेश्चन है, कंपनी का क्या हुक्म था? तो कंपनी का हुक्म था कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन वजीर अली ऐसा था कि बार बार उनकी आंखों में धूल झोंक कर भाग जाता और उनकी पकड़ में नहीं आता था। फिफ्थ क्वेश्चन है, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है, ऐसा सवार ने क्यों कहा? सवार वजीर अली को गिरफ्तार करने के बहाने कर्नल से कारतूस हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने कर्नल से कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। वो वजीर अली ही सवार बनकर आया था, तो उसने पूछा कर्नल से। जब कर्नल ने ये पूछा कि वजीर अली को गिरफ्तार करना मुश्किल क्यों है, और ऐसा सवार को भी लगता था, तो सवार ने वजीर अली की गिरफ्तारी करने के बहाने ही, ताकि कर्नल को ऐसा लगे कि ये भी हमारे साथ में ही है, ये भी वजीर अली को पकड़ना ही चाहता है, तो इसीलिए उसने कर्नल से कारतूस हासिल करना चाहा और कर्नल ने उसे 10 कारतूस दिए भी और उनको बताया भी कि वजीर अली को गिरफ्तार करना बहुत ही मुश्किल है। और ये कर्नल जानते भी थे, क्यों? क्योंकि वो बहुत दिनों से खेमा डालकर बैठे हुए थे, लेकिन वजीर अली बार बार उनकी आंखों में धूल झोंकता और भाग जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आती थी? तो वजीर अली जंगल में अपने बहादुर साथियों के साथ रहता था, वह दिल दहला देने वाला कारनामे करता था और पकड़ में नहीं आता। रॉबिन हुड भी शेरवुड के जंगलों में अपना गिरोह बनाकर रहने वाला जाबाज था, वह अमीरों को लूटता और गरीबों की सहायता करता, इसलिए वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद आई। दोनों में समानता क्या थी कि वजीर अली भी जो था वो जंगल में अपने बहादुर साथियों के साथ रहता था और ऐसे ऐसे कारनामे करता था जिससे सबका दिल दहल जाए, और कितनी बार सिपाहियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन उस कोशिश में वो नाकाम रहे और वो पकड़ में नहीं आता वजीर अली। तो रॉबिन हुड भी कुछ इसी तरीके थे, वे भी शेरवुड के जंगलों में अपना एक गिरोह बनाकर रहने वाले जाबाज थे। वो क्या करते थे, वो भी अमीरों को लूटते और गरीबों की सहायता करते थे, इसीलिए जब वजीर अली के अफसाने कर्नल ने सुना तो उन्हें रॉबिन हुड की याद आ गई। सेकेंड क्वेश्चन है, सादत अली कौन था? वह वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझता था? सादत अली नवाब आसिफ उद्दौला का भाई था, वह अवध का नवाब बन गया था। वजीर अली नवाब आसिफ उद्दौला का बेटा और उसका दुश्मन था, इसलिए सादत अली वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझता था। तो सादत अली कौन था? सादत अली नवाब आसिफ उद्दौला का भाई था और बाद में वो अवध का नवाब भी बन गया। वजीर अली जो था वो नवाब आसिफ उद्दौला का बेटा और उसका दुश्मन भी था। इसलिए सादत अली वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझता था कि वो उसे भी मार देगा। थर्ड क्वेश्चन है, सादत अली को कर्नल ने तख्त पर किस मकसद से बिठाया था? तो सादत अली कर्नल का दोस्त था और बहुत ऐश पसंद आदमी था। उसने अपनी आधी सल्तनत और 10 लाख रुपए नकद कर्नल को दे दिए थे। कर्नल ने सादत अली को इस मकसद से तख्त में बिठाया था। क्या मकसद था? कि एक तो सादत अली और कर्नल दोनों दोस्त थे, कर्नल को उसने अपनी आधी सल्तनत दे दी और उसके साथ 10 लाख रुपए भी नगद दिए थे। इसके बाद जो सादत अली था वो बहुत ही ऐश पसंद आदमी था, ऐशो आराम उसे बहुत ज़्यादा पसंद था, तो इसी मकसद से कर्नल ने सादत अली को तख्त पर यानी सिंहासन पर राजगद्दी पर बिठाया था। उसे इसके लिए आधी सल्तनत मिली थी और 10 लाख रुपए नगद दिए गए थे। फोर्थ क्वेश्चन है,
वकील के कत्ल के बाद वजीर अली ने अपनी सुरक्षा कैसे की? तो कंपनी के वकील के कत्ल के बाद वजीर अली अपने जानीसार साथियों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उन्हें उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। उसके बाद उसका कारवां गोरखपुर के जंगलों में भटक रहा है। तो वकील के कत्ल के बाद वजीर अली ने अपनी सुरक्षा कैसे की? वो वहाँ से अपने साथियों के साथ भागकर आजमगढ़ की तरफ गया और आजमगढ़ के कुछ लोगों ने उसकी हिफाजत करते हुए उसे घाघरा तक पहुँचा दिया। और उसके बाद कारवां उनका जो ग्रुप था वो गोरखपुर के जंगलों में भटक रहा है। फिफ्थ है, कर्नल हक्का बक्का क्यों हो गया? घुड़सवार वजीर अली, जो कि सवार सामने से आ रहा था, ने कर्नल के खेमे में घुसकर वजीर अली को गिरफ्तार करने के बहाने उससे 10 कारतूस हासिल किए। अंत में अपना नाम वजीर अली बताकर घोड़े पर सवार होकर भाग गया। यह देखकर कर्नल हक्का बक्का हो गया। घुड़सवार जो वजीर अली था, सवार के रूप में वहां आया था, वो कर्नल के खेमे में घुस गया और वजीर अली को गिरफ्तार करने के बहाने उसने कर्नल से 10 कारतूस भी ले लिए। यहाँ तक कि अंत में जब अपना नाम उसने कर्नल को बताया कि वो और कोई नहीं बल्कि वजीर अली है, तो वो कर्नल भी हक्का बक्का रह गया उसके इस कारनामे को देखकर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा विकल्प वाले क्वेश्चन आंसर, एक वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर और 2 से 3 वाक्य वाले क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।